बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिसल पाव। तो ये मिसल का मसाला है सारा। तो इसमें हमने 2 टीस्पून धनिया है और 1.5 टीस्पून हमने जीरा लिया है, 1 टीस्पून खसखस और 7-8 छोटी इलायची है, ये काश्मीरी मिर्च है 5, तेज पाते हैं 2, ये पत्थर का फूल है थोड़ा से, ये 15 वो है लौंग, आधी टीस्पून काली मिर्च, एक ये स्टार फूल, एक बड़ी इलायची, हमने इसको बीज से बीज निकाल लिया है, और ये लकड़ी है, ये जायफल और चौथड़ी है, और ये तिल है 2 चम्मच। ओके, और ये हमने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे तो इसको बारीक बारीक काट लिया है, और 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं तो ये सब हम अलग कर रहे हैं, और ये हमारा ये मटकी है, ये मटकी है हा? तो हमने इस चम्मच इस जो है कप से लिया था, आधा ये कप है, मतलब ये ग्राम से हो गए 125 ml है। तो हमने इसको भिगा दिया था रात में, देखिए माशाल्लाह कितना ज्यादा हो गया है। तब मैं इस कुकर में मैं जो है इसको कुकर में डाल दूंगी, 1 सीटी लगाऊंगी, और ये देखिए 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और बाकी इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। पानी डाल देती हूँ 250 ml, हम इस कटोरे से हम पानी डालेंगे एक का, ये 250 ml पानी है। तो मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी और तेज आंच पे पकाऊंगी 1 सीटी। अभी इसमें हम सबसे पहले गरी, हमने गरी आपको नहीं दिखाया था, तो ये गरी अभी इसमें डाल रही हूँ, इसको धीम आंच में ब्राउन कलर से करूंगी। ओके, और फिर सारे मसाले हम इसी में भून लेंगे। देखिए ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसको निकाल लूँ। इसमें हमने तेज पत्ते, लाल मिर्च, काश्मीरी मिर्च और ये सारे पत्थर को, लौंग, इलायची, लकड़ी, ये सब मैं इसमें डाल दिए। अब इसको जीरा जीरा धनिया ये सब साथ में डालेंगे, और बीज वो चिल्ली और खसखस थोड़ा रुक के डालेंगे, नहीं ज़्यादा जल जाएगा। इसको अच्छा से भून लेंगे। अब मैं इसमें खसखस और तिल दोनों डाल दूँगी, तो इसको भी 2 से 3 मिनट तक सिलो आज पे भूंगेंगे, एकदम खुशबू आना चाहिए। ये देखिए मेरा मसाला भून के हो गया है, बिल्कुल सिलो सिलो आग पे हमने इसको भूना, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से। तो मैं इसको निकाल लूंगी इसी में प्लेट में। देखिए अब मैं इसमें राई का तेल डालूंगी, हम सरसों का, ये देखिए। तो इधर 1 सीटी आ गया है, मैं अब इसको ऑफ कर दिया गैस। ओके, 1 चम्मच से हमने 3 चम्मच टेबल स्पून है इससे से 3 चम्मच हमने लिया है, बहुत छोटा से है। तो अब मैं तेल हो जाएगा तो ये ऑनियन डालूंगी, फिर टमाटो, और ये 8 से 10 कली लहसुन है, और 1.5 इंच अदरक है, हमने इसको लंबे लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। तो मेरा तेल हो ही गया है, कड़कने लगा, तो मैं इसमें ऑनियन डाल दूंगी, अदरक लहसुन, और ये बहुत तीखा बनता है। ये महाराष्ट्रीयन डिश है, यहाँ पे लोग बहुत शौक से इसको खाते हैं मिसल पाव। तो हमने भी खाई खल्ला में खाया था, तो मैं आके बना रही हूँ, आके उसका टेस्ट लेके देखती हूँ कैसे बनता है। ये देखिए मटकी हो गया, हमको ज़्यादा गलाना नहीं है ना, हमने इसीलिए 1 सीटी लगाया है बस, और बहुत अच्छे से बहुत खड़ा खड़ा है। ये देखिए आप तो इसमें जो है मूंग भी डाल सकती हैं, ये हमने अंकुरित कर लिया था, और आप ऐसे मूंग का भी बना सकती हैं, मटर का बना सकती हैं, हरे मटर, येलो मटर दोनों का। तो फिर
मैं चलती हूँ अपने। थोड़ा प्याज होने वाला है, मुझे ज्यादा नहीं लाल करना है, थोड़ा हल्का ब्राउन ही करना है, नहीं तो मसाला बहुत काला हो जाएगा। ये देखिए प्याज हो गया है मसाला से गोल्डन कलर का, तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, इसलिए मैंने मटकी में भी डाला है। ये नमक से जल्दी गल जाता है ना टमाटर। टमाटर गल गया है तो मैं जो ये भुना मसाला इसी में सब डाल देंगे। ताकि तेल में भी थोड़ा अच्छे से वो हो जाए। अब इसको हम 1 से 2 मिनट हो गया तो मैं गैस ऑफ करके इसको ठंडा कर लूंगी और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट हमने पीस लिया है तो अब मैं इस थोड़ी सी तीखी मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच पाउडर लेना है और हमने इधर पतीली रख दिया है, पानी जल जाएगा। इसमें तेल ज्यादा मांगता है ओके, तो इसमें हम 1 चम्मच से 2 चम्मच बड़े डालेंगे तेल। तो हमने 1 चम्मच से 2 चम्मच भर भर के लिया है, वैसे भी ये कम ही तेल, लेकिन मैं कम तेल डाल रही हूँ अपने लिए, और आप इससे 3 चम्मच डालिए। इसमें तेल ज्यादा रहता है इसलिए तरी रहता है ना। तो हमने इधर यह पानी रख दिया है 725 ml, तो ये जो है गर्म हो रहा है, अगर तक मेरा ये तेल गर्म हो जाएगा। तो तेल हो गया है तो मैं इसमें राई डाल दूंगी 1 चम्मच और 1 चम्मच हमने ये जीरा लिया ये डाल दिया, और उसके बाद ये हमने लाल मिर्च पाउडर जो आपको दिखा ना 1 चम्मच, ये तीखा बहुत बनता था ये डाल दिया, और इसके बाद ये मेरा मसाला चला गया। और ये मैं हींग डाल दिया, कड़ी पत्ता हमने डाला, राई डाला और जीरा हींग, ये देखिए हो गया। हम इसको स्लो आंच पे भूनेंगे बिल्कुल तेल आने तक, स्लो आंच पे। ये मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ 1 चम्मच और 1 चम्मच वो है अमचूर पाउडर ओके, अच्छे से मिला देंगे। ऐसे मेरा दिखा मसाला एकदम बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल सारे बाहर आ गए हैं। ये हमारे पास धनिया है, ये धनिया डाल दे रही हूँ। मेरा पानी गर्म हो गया है, दम पक रहा है, तो मैं अब पानी इसमें डालने जा रही हूँ। ये देखिए इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, ये 3 गिलास पानी है, ये हमने 3.5 गिलास पानी लिया, हमको कम लग रहा है, हम थोड़ा और पानी डाल रहे हैं, लगभग 1/2 गिलास और पका के। तो ये हमारा हो गया 4 गिलास, 4 से 4.5 गिलास पानी। अब इसको बंद कर देंगे, उबाल लाने तक पकाएंगे। इस तरह मैं ओड़ा बना रही हूँ, मैं उसल में ओड़ा डाल के खाऊंगी, या मिसल जो भी है दोनों बोल सकते हैं आप, उसल मिसल। तो मैं ये ओड़ा बना रही हूँ ओड़ा के लिए। ये हमारा भूसा आलू हो गया है, तब तो इसमें कोथमीर डाल देती हूँ कटी हुई बारीक। गैस हमने बंद कर दिया है, इसमें उबाल आ गया है, पकने लगा है। ये देखिए इसमें तरी देखिए आ गया ऊपर, तब मैं इसमें अपना वो मटकी डाल दूंगी जो मैंने उबाल के रखा था। हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। देखिए इसका तेल ऊपर आ गया, थोड़ा सा नमक कम है हमने चेक किया है, तो थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे यार।
आधे टी स्पून, और आप अपने हिसाब से नमक रखिएगा जैसे आप खाती हैं। तो मैं इसको ढक करके, मेरे पास ये कसूरी मेथी है, ये एक टी स्पून है, इसको हमने थोड़ा से भून लिया था, क्रश करके डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। 5 से 6 मिनट रखे हैं, तो मैं अब ये गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए गैस हमने ऑफ कर दिया है। अब मैंने ये देखिए ओड़ा बनाने जा रहे हैं, इसका ये पेस्ट है। तो मेरा तेल होने वाला है, तो मैं इसमें डाल देने जा रही हूँ। ये देखिए हमने ओड़ा डाल दिया है, अब इसको पलट रहे हैं। ये देखिए ये सारे ओड़ा हमने पलट दिए। ये देखिए हमने एक निकाल लिया है, तो हमने दूसरा डाला है, तो हम इसको कलछी के सहारे से ऐसे से थोड़ा प्रॉपर तेल डालेंगे। देखिए हमारा ये देखिए हो गया नीचे, तो हम इसको पलट दे रहे हैं। ये हो गया, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। ब्राउन देखिए, ब्राउन कलर हो गया, गोल्डन, हल्का गोल्डन। हमको इसी स्टेज पे निकालना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। तो ये देखिए हम इसे सेव भी बना सकते हैं, बूंदी हम इस पर डालते रहेंगे और ये झटका रहेगा। तो ये देखिए मैंने ओड़ा भी बना लिया और सेव भी बना लिया, मतलब बूंदी भी बन गई। तो आप इस तरह से अगर बना के रख लें, तो आप जब रायता बनाती हैं तो रायते में डाल दीजिए। तो पहले इसमें ओड़ा डाल दूंगी, तो हमने इसको क्रश कर दिया है बीच से, तब इसमें ओसल डालेंगे। ये देखिए अब इसमें हम जो है उसका तरी डाल रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें चूड़ा डाल, फरसल जो भी बोलते हैं, मेरे को नहीं आता। ये जो हमने बूंदी बनाई है वो डाल देती हूँ इसी में। प्याज, हरी धनिया और लेमन, देखिए लेमन जूस, तो ये देखिए मैं इसमें तरी डाल रही हूँ दोनों। आप खा के बताइए सर कैसे बना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम लोग ने जो खाया था वहाँ पे उससे भी बेहतरीन है, बहुत अच्छा। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए। कमेंट में बताइए बना के कैसे बना है, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये देखिए।